पर्टिकुलर सेल ब्लॉग्स और आप सबको मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांत। मकर संक्रांत है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं व्लॉग बनाऊं, व्लॉग में कुछ अमेजिंग मस्ती वगैरह करूं, पर इस व्लॉग में वो सब चीजें तो ऑफ कोर्स आपको देखने मिलेगी, तो व्लॉग एंड तक जरूर देखना। और इसमें ना हम कुछ अलग भी करने वाले हैं, है ना पापा? हाँ। तो चलो वीडियो देखो जल्दी से, चलो जल्दी जाते हैं अब हम। चलो चार रंगे फ्रेंड्स। शिवराज को नहीं आ रहा, शिवराज ऐसे करा। तो मम्मी आप क्या कर रही हो अब? तो परी कल संक्रांत है तो मोस्टली छोटी बच्चियों को ना, मतलब मुझे छोटी बच्ची, छोटी 2 साल 3 साल की जो, मतलब माओ को वगैरह, तो 2 साल या 3 साल की बच्ची को इस तिलगुल बोलते हैं, इसे इसकी ज्वेलरी बनाते हैं और उसे पहनाते हो और मतलब सजाते हैं उसको। तो हम ये ज्वेलरी अभी खुद घर पे बनाने वाले हैं और कल उसको सजाएंगे ज्वेलरी के साथ। तुझे भी किया था बचपन में पर, जब तू 3 साल 2 साल की थी शायद, उस टाइम ही किया था। मुझे तो याद नहीं आ रहा। झूठ बोल रहा है। मतलब नहीं किया था। तुझे किया था? किया था फ्रेंड, सब कुछ किया था मेरे मम्मी ने मेरे लिए। तुझे क्या चाहिए? शिवराज की कब से नजर है इस तिलगुल? हाँ, तो पूरा तो खा लिया इसने तिलगुल। पूरा ना, मोस्ट ऑफ खत्म। चलो चलो बनाते हैं, चलो लेट्स गो। फ्रेंड्स मम्मी ना इस नेकलेस को डेकोरेट कर रही है, पर अभी ना 2-3 सेकंड के लिए मम्मी और पापा का झगड़ा भी होता है ना मम्मी? झगड़ा होता? मारे माझ्याकडे ऑप्शन काहीच नाहीये। मम्मी बोलिए, मेरे पास तो कुछ ऑप्शन नहीं है। क्यों हुआ था मम्मी, वो भी बताइए ना जरा। अरे भाई क्या बताऊं मैं, ये कटिंग गलत किया था इसकी वजह से। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एक्चुअली क्या हुआ था कि मम्मी ना नेकलेस की कटिंग कर रही थी और गलती से ना मम्मी ने दूसरा यू कट में नेकलेस कट कर दिया और पापा को वी कट में चाहिए था, इसलिए पापा बोल रहे ऐसा क्यों किया वैसे क्यों किया, है ना पापा? अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। अभी ठीक, अभी अच्छा लग रहा है ना? पर पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है। क्या बोला? इधर अच्छा था पहले, परी झूठ बोल रही तू। चल छुट्टी। मम्मी ने सारी चीजें बनाई है, मतलब मैंने इसमें मम्मी की कुछ हेल्प नहीं किया, मैंने और पापा ने, सब मम्मी ने ही किया, क्योंकि मम्मी ने स्ट्रिक वार्निंग दी थी मुझे और पापा को कि अगर तुम दोनों ने इस चीजों को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। तो ये देखिए मम्मी ने ये नेकलेस बनाया, इसे यहाँ पर बस फ्लावर चिपकाना है और ये जो हाथ के बैंड होते हैं वो बनाया मम्मी ने 2 माओं के लिए। ये क्या बनाया मम्मी? एयरिंग बनाया ये माओ के लिए, कितना प्यारा है, छोटा सा छोटा सा। और ये क्या मम्मी? बिंदी बहुत मस्त लग रहा है फ्रेंड्स। गजब। और मम्मी और एक एयरिंग बनाना बाकी, और क्या बना रहे हो मम्मी आप? नथ। बट शिवराज तू यहाँ पर क्यों बैठा है? तुझे तो इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला। शिवराज को मिलने वाला है क्या? बस तिलगुल है ना। तो ये देखो, और आपको लग रहा होगा कि हम ऐसे ही जगे हुए हैं, बट मतलब 2:49 बज गए रात के और अभी तक हम जगे हैं, है ना मम्मी? कैसा लग रहा है आपको जग के? कैसा लग रहा है पापा आपको? खूब छान। मुझे तो नींद आ रही है। तू काय मदद तो करत नाहीये, झोप जा ना जाऊं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने पापा के और मम्मी के बीच में फिर से झगड़ा लगा दिया है? तो चलो अब ये सब हम अच्छे से रख देते हैं और फिर सुबह उठ कर रेडी हो जाएंगे, है ना मम्मी? हैप्पी मकर संक्रांत। The next morning. तो फ्रेंड्स आज है मकर संक्रांत और आज मैं पहनने वाली थी मम्मी की ब्लैक कलर की साड़ी। फिर मम्मी ने मुझे कहा कि तू खुद को संभाल नहीं सकती तो साड़ी को क्या संभालेगी, इसलिए मैं मेरा पिंक कलर का ड्रेस ही पहनने वाली हूँ। और मेरे मम्मी ने मेरे लिए पिंक कलर की ज्वेलरी भी लाई थी। क्या ज्वेलरी? कौन सी ज्वेलरी? तोड़ दी ना शिवराज ने वो ज्वेलरी। मैंने तुझे कितनी बार कहा था संभाल कर रखा अपनी चीजें, सुनती नहीं मेरी बात। आज तक कभी सुनी मेरी बात? सॉरी। ठीक
क्या रहने दो कर रहे तू भी? सॉरी ना पापा, आगे से मैं ध्यान रखूंगी ना पापा। इसे समझ में नहीं आता, मैं हर बार उसे बोलता हूँ खुद की चीजें खुद संभाल कर रखो, पर सुनती नहीं मेरी बात। सॉरी पापा, सॉरी, इट्स ओके ना, आगे से मैं ध्यान रखा करूंगी। तो फ्रेंड्स, क्या समझ में आपको इससे? यही कि अगर आपके घर में भी शिवराज जैसा छोटा भाई या फिर बहन हो तो प्लीज ऐसी चीजें संभाल के रखा करो, वरना घर में कैसे भी करके तूफान आ सकता है। जैसे मेरे घर में अब आके चला गया, चला गया तो चलो मैं रेडी हो जाती हूँ। रेडी हो जाती हूँ, चलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एक्चुअली मकर संक्रांति तो माऊ के पास ना ब्लैक कलर का ड्रेस नहीं था, इसे मम्मी ने सोचा कि क्यों ना माऊ के लिए ब्लैक कलर का ड्रेस लाए और माऊ का सरप्राइज दे। और सेम वही चाची ने भी सोचा, तो चाची भी मार्केट में चली गई थी और माऊ के लिए ब्लैक कलर का ड्रेस लाया था। अब माऊ के पास दो दो ड्रेस हो गए, ये देखिए, और मेरे पास एक भी नहीं है, ब्लैक कलर का एक भी नहीं है ड्रेस। माऊ को पूछ रही थी, माऊ मुझे एक देनी है। माऊ आप मुझे कमेंट में बताइए कि माऊ कौन से ड्रेस में ज्यादा अच्छी दिखेगी, ये वाले फ्रॉक में या फिर ये वाले। माऊ आई का नाम इधर ना, हमारे कड़े ड्रेस नहीं है ना ब्लैक कलर का, तो माला कुठला देना तू? मैं कुठला घेऊ ना? असं कस, वो तो मेरा ही है ना, वो बोलिए तेरा वाला ही तू पे, माला मैं आ घेऊ। अच्छा ठीक है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मतलब जो मम्मी ने सारी माओ के लिए ज्वेलरी बनाई थी वो ज्वेलरी है ये सब। ये है हैंड बैंड जो यहाँ पर लगाते हैं, बाजूबंद बोलते हैं हाँ मराठी में, वही बोलते हैं। ये है बिंदी, आप सबको तो ये पता ही होगी ना। ये है क्या है ये, मैं भूल गई, कमर पट्टा। यस, ये है छोटा नेकलेस, ये है बड़ा नेकलेस, ये है इयररिंग्स दो, ये है नोज रिंग और ये दो बैंगल। मैं कशी दिसती है पण? छान छान दिस। ओ माय गॉड, छान छान दिसती है। हाय, अब माऊ को भी, माऊ भी रेडी होने वाली है ना? हाँ, मेकअप करने वाली है क्या तू? हाँ। ओके, तो चलो माऊ को भी रेडी करते हैं। गया है ये देखिए। हाय करना, ओह माय गॉड संस्कारी लड़की, ऐसे कर ऐसे कर। नमस्ते नमस्ते। एक्चुअली क्या हुआ? ये हुआ संस्कारी, एक्चुअली ये हुआ, बस माओ ना सुन नहीं रही थी इसलिए मैंने क्या किया, लिप बाम था ना उसे बस ऐसे ही प्रैंक मतलब झूठ बोल के लिप बाम था ना वो आईज पर और लिप्स पर लगा दिया है ना, है ना? नहीं नहीं, मैंने तो उसे रियल वाला मेकअप किया है, रियल वाला। इकडे बघ माऊ। अरे अरे बाप रे, जैसे ही मेकअप किया नहीं नखरे शुरू हो गए है ना, है ना? कैसी दिख रही हूँ? आपकी लकड़ी हूँ। मतलब मैंने ये चीज उसे बोलने के लिए कही थी, उसने उसका आंसर दे दिया है ना मऊ? हमने इसे क्यूट बनने के लिए रेडी किया है और ये तो मॉन्स्टर बनने जा रही है। फ्रेंड्स, आपको क्या लग रहा है, माऊ मेरे जैसी है क्या? तुमसे दो कदम आगे। मम्मी बोल रही है तुमसे दो कदम आगे है माऊ, है ना? भगवान, ये इतनी ओवर एक्टिंग कैसे करती है? अपने तो घर है, तो घर है। संक्रांत हैप्पी
हैप्पी मकर संक्रांत परी। तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला। तू पण गोड गोड बोल गे, हे माझं तिळगुळ घे तुला आणि गोड गोड बोल। परी मिलेगी काटने के लिए। परी किसने बनाया तिळगुळ? ऑफ कोर्स पापा मम्मी ने। मम्मी ने? ऐसा कोई तिळगुळ बनाता है क्या? तो अरे टूटा भी नहीं। ओह माय गॉड, इसका काम करना चाहिए मम्मी ने, इसके साथ एक हथौड़ा भी देना चाहिए। मतलब लोगों को ये भी देंगे हम और उसके साथ एक एक हथौड़ा भी फ्री। यू आर चला ब्रो। मुझे नहीं चाहिए तिळगुळ। नहीं चाहिए, मेरा दांत टूट गया। अच्छा ठीक है, ये लो फ्रेंड्स आप खा लो। सॉरी आप भी मत खाओ, आपको भी हथौड़ा देना पड़ेगा ना। ठीक है ये लो, ये खा लो। हाँ इसमें से आधा आधा खाते हैं। चलो आईज क्लोज करो। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरा आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और वंस अगेन कि आपको मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांत। तो इस ब्लॉग को ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।